प्यारी साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा ने हमें ख्याल दिया है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको मजबूरी वश उनके मां बाप बेच देते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, लानत ऐसे मां बाप पे चंद टुकड़ों के लिए जो अपनी बेटी को बेच देते हैं, और लानत उन पे जो उनसे ऐसा बिजनेस व्यापार करवाते हैं। तो भगवान ने अभी ख्याल दिया, हमें उनके लिए भी कुछ करना है। क्या आप लोग सहमत हैं इसके लिए? जी हाथ नीचे कीजिए। हमें बहुत गर्व है आप सब पे, 5 करोड़ लोगों पे और सारी दुनिया पे, कि आप नेकी में बहुत आगे जाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवान आगे आएं जो उनसे शादी करवाएंगे, उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। आप में से कौन कौन वो नौजवान हैं जो उनसे शादी करवाने को तैयार हैं? जरा खड़े होके बताइए। वाह, धन्य माँ बाप, धन्य आपकी कुल है जिनके बच्चे उनसे शादी करवा रहे हैं, जिन्हें लोग गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास लोग हराम खोरी के लिए जाते हैं, जिन्हें खिलौना समझते हैं। मर्द ये सोचता है उसकी औरत दूसरे मर्द की तरफ देखती क्यों है, और एक ये है जो उनसे शादी करवाएंगे जो वैश्य कहलाती हैं। नहीं नहीं साध संगत जी, हम उनका नाम बदलेंगे, उनका अलग नाम देंगे। आज से उन्हें कोई वैश्या या कोई और गलत शब्द इस्तेमाल करके नहीं बुलाएगा। आज से आप उसे शुभ देवी कहेंगे, शुभ देवी कहेंगे। तो ये नौजवान कमाल हैं, धन्य है इनके मां बाप, धन्य है इनकी कुल। और ऐसे नौजवानों को हम भक्त योद्धा कहेंगे। और आप में से ऐसे बहुत से परिवार होंगे जो उन शुभ देवियों को अपनी बेटी, अपनी बहन बनाएंगे। जरा वो भी हाथ खड़ा करके बताएं, क्या है इस बात के लिए? वाह, गजब है। तो वो शुभ देवी जिस भी घर में जाएगी, वो घर में हर चीज शुभ ही शुभ होती चली जाएगी। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हम उन मजबूर लड़कियों को यहां लेके आएंगे, शुभ देवी बनाएंगे और अपनी बेटियां बनाएंगे। यहीं बस नहीं करेंगे, उन्हें बेटियां बना के उनकी शादियां करवाएंगे। आ जाओ बहनों, आ जाओ, चली आओ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, दुल्हन बनवाऊंगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें घर बार दिलवाऊंगा, तुम्हारी शादी करवाऊंगा। छोड़ दो एक पाप की नगरी, आ जाओ बहनों, आ जाओ। देखना साले ने क्या तमाशा लगा रखा है। बहनों आ जाओ, नीचे आ जाओ, बहन जी नीचे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ बहन जी, नीचे आ जाओ। नीचे आएगी मेरी जूती? जूती को नहीं बहन जी, आपको आना है। ये ले मेरा टमाटर। बहन जी टमाटर क्यों नीचे फेंक रही हो? अरे बहन जी टमाटर मत मारो बहन जी। अरे बहन जी आ जाओ, बहन जी नीचे आ जाओ, बहन जी आ जाओ। अरे बहन जी अरे मत मारो बहन जी। बहन जी बहन जी आ जाओ, नीचे आ जाओ, बहन जी बहन जी आ जाओ, आ जाओ बहनों, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। गुरु जी मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं आए, उल्टा मेरा ही ये हाल कर दिया। आपको किसने कहा था जाने को?
गुरुजी आपकी बातें सुनकर थोड़ा जोश में आ गया था। बेटा, ये मुद्दा इस कच्चे बर्तन की तरह है। इस मिट्टी के बर्तन को ज्यादा प्रेशर डाला जाए तो ये टूट जाता है, जैसे वो मुद्दा आप पर टूट पड़ा। वहां पर हम जाएंगे। आप वहां जाएंगे? तू जा सकता है क्या? हम नहीं जा सकते? ठीक है गुरुजी, मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े ना तो मुझे जरूर बताना गुरुजी। ओए, ये तो डेरा वाले बाबा हैं। आओ पठान साहब, कौन सी चाहिए? हमें एक दो नहीं, सभी चाहिए। अरे वाह, सभी चाहिए? सत के जावा, लगता है आज तो मेरे कोठे के भाग ही खुल गए। ए चंपा, ए चमेली, अरे कहाँ हो? देखो आज कौन आया, पठान साहब आया है। लगता है आज तो काफी माल बनने वाला है। बेटियों, हमारी बात ध्यान से सुनो। आज हम आपको इस नरक से निकाल के स्वर्ग ले जाने आए हैं। हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, आपको अपनी बेटियां बनाएंगे और उसके बाद आपकी शादियां करवाएंगे। शादी बनाएगा, बेटी बनाएगा। वैश्या किसी औरत के लिए सबसे बड़ी गाली होती है साहब, और हम सब वो चलती फिरती गालियां हैं। बेहतर होगा हमें ना ही सुनो। जाओ साहब जाओ, ये धंधे का टाइम है, खोटी मत करो। क्योंकि अगर आज धंधा नहीं किया तो कल रोटी नहीं मिलेगी। जाओ साहब, बातों से पेट नहीं भरता। चला जाता हूँ, पर कल को प्रार्थना करते समय कोई कसम भगवान के सामने सिर पटक पटक के ये ना कहे कि हे भगवान, मुझे इस नरक से निकाल दो। कोई सलमा अल्लाह ताला के आगे ये दुआ ना करे कि हे अल्लाह, मुझे इस दोजख से बाहर निकाल दे। कोई मरियम की बेटी रात को दुबक दुबक के सिस्क सिस्क के गॉड के आगे ये प्रेयर ना करे कि हे गॉड, मुझे इस नरक से निकाल दो। आपको कैसे पता? आप हमारे साथ चलो बेटा, हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, आपकी शादी करवाएंगे तो सब पता चल जाएगा। क्यों करवाना चाहते हो हमारी शादी? यहाँ पे सैकड़ों लोग हरामखोरी के लिए आते हैं, नरक में आते हैं और आपको नरक में धकेल के चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी भी उनसे ये नहीं पूछा कि आप यहाँ हरामखोरी के लिए क्यों आते हैं, और हम आपको इस नरक से निकालने आए हैं और आप हमसे ही सवाल कर रहे हो। वाह बेटा वाह, वाह क्या खूब बात पूछी है। फिर भी हम आपको ये जरूर बताएंगे हम क्यों आए हैं। अरे जो भगवान की औलाद होती है वो फकीर की औलाद होती है, ये बात है। हम एक फकीर हैं, आप सबको इस नरक से निकालने आए हैं, क्योंकि भगवान की औलाद फकीर की औलाद जैसी है। तो आप सब लोगों का दुख हम सह नहीं सकते कि हमारी बेटियां इस नरक में तड़पें। पर आप तो बहुत जिद्दी हैं, पर हम भी आपके बाप हैं। आप आज नहीं जाओगे, हम कल आएंगे, और अगर आप कल नहीं जाओगे तो हम परसों आएंगे। पर याद रखो, हम आपको इस नरक से निकाल के लेके जाएंगे।
पिताजी मैं चलूंगी आपके साथ। हम भी चलेंगे पिताजी। हम भी चलेंगे आपके साथ। हम भी आएंगे आपके साथ। अरे कहाँ जा रही हो? मैं चलूंगी आपके साथ। अरे कहाँ जा रही हो? कोई नहीं बेटी बेटी बनाने वाला। चलो बेटा। अरे रुको रुको, मैं कह रही हूँ रुको। सब लोग, एक गुरु आया सभी लड़कियों को ले गया। जल्दी करो, वो गेट के बाहर जाना नहीं चाहिए। जल्दी करो। चलो बेटा। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबरें।
सन्ना सिंह का चोला अब उतर चुका है। गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन सबका असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। देखिए किस तरह से बाबा रंग रलिया मनाने के लिए कोठे पर जाते दिख रहे हैं। गौर से देखिए। ये हुई ना खबर। साले मुझे पता होता तू इतना अच्छा डांस करता मैं तेरी बहन से नहीं तुझसे ही शादी कर लेता। बस यो सब वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई है। जी अभी तो एक और खबर आने वाली है। क्या क्या क्या, जल्दी बता जल्दी बता। पहले दीजिए। बहुत ही कमी नहीं है तू। जीजा जी, गुरुजी जिन वेश्याओं के पास गए थे ना, वो क्या माँ बनने वाली है? ओहो, गुरुजी ने उन्हें अपनी बेटी बना लिया और उन सबका कन्यादान करने वाले हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये सब आपके स्वागत के लिए है बेटा। हमारे स्वागत के लिए? हाँ बेटा, पता नहीं कितनी देर से बिछड़ी हुई रूहें आज अपने बाप के घर आई हैं। स्वागत तो बनता है ना बेटा। और पिताजी, ये सब लोग? ये आज से आप सबका परिवार है बेटा। पिताजी, हम सब आपके लिए क्या सोच रहे थे और आप हमें माफ कर दीजिए। कहाँ बेटा, हम तो अदने से एक फकीर हैं। गुरुजी, हम बहुत गुस्से में हैं। टीवी पर ना जाने वो आपके बारे में अनाप शनाप क्या दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जीव वैश्याओं के कोठों पर अय्याशी करने के लिए जाते हैं। गुरुजी, खून खोलता है खून जब कोई आप पर उंगली उठाता है। वो खून ही क्या, जो खोले ना। पर बेटा, खून अगर सच्चाई के लिए खोलता है तो उसका मोल बढ़ जाता है। लेकिन गुरुजी, वो बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब सहन नहीं होता गुरुजी, दिल चाहता है आग लगा दे। नहीं बेटा, हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत का रास्ता है, हमने ऐसा हरगिज नहीं करना। हाँ, रही बात गलत भाषा के प्रयोग की, जैसा आदमी खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। हाँ, अगर जलानी है तो ज्ञान की मशाल जलाओ और जन जन तक जल्दी से पहुँचाओ। जाओ इस काम में जोर शोर से लग जाओ। हम लोगों ने आपका कितना मजाक बनाया, क्या क्या नहीं कहा आपको, और आज हमारी वजह से आपको क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। कितना बड़ा दिल है आपका पिताजी, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे अरे, बेटी बाप के घर में तब रोती है जब उसकी विदाई होती है। रोना नहीं बेटा, बल्कि आप तो बाप के घर में आई हो, नाचो झूमो। हाँ, जिस दिन आपकी विदाई होगी हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जम के रोना बेटा।